अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, मैं टी केक बना रही थी तो मैंने साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली शाम को चाय के साथ। मुझे टी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। टी केक, बिस्किट्स, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता लेकिन मुझे चाय के साथ ना कुछ चाहिए होता है लाजमी। ये टी केक हमने बनाना है पतीले में। तो सबसे पहले हमने पतीले को रख देना है प्री हीट होने के लिए। अगर आप शीशे का ढक्कन वाला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि क्यों बेहतर है। दो अंडे लेने हैं, हाफ कप मैंने ली है चीनी, हाफ कप मैंने लिया है ऑयल, एक कप मैंने लिया है मैदा और डेढ़ चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर का। और ये सब मैंने अब एक जग लिया है मिक्सर, उसमें डाल देना। दो अंडे डाल दिए पहले, उसके बाद मैंने साथ ही चीनी डाल दी। चीनी पिसी हुई हो या ना हो कोई बात नहीं है, इसमें मिक्स हो जाएगी सारी। और साथ ही साथ मैंने ऑयल डाल देना है इसमें। तो ये गया ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने अच्छे से आपने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखें, 4 से 5 मिनट ब्लेंड करने के बाद गाढ़ा सा मिक्सचर हमारे पास रेडी है, बिल्कुल फल्फी सा। अब हमने एक बोल लेना है और उसमें ये सारा मिक्सचर निकाल लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अभी गाढ़ा है और जब हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें दूध या फिर पानी ऐड करना है। मैदे को आपने सारा ही एक साथ में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके 3 बार, मैंने तो 3 बार करके डाला है और मैं 3 बार ही इसके 3 पोर्शन बना के ही मैदे को मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, काफ़ी अब गाढ़ा मिक्सचर रेडी हो गया। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको बेक करने के लिए नहीं रख देना। तो जी, मेरी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पहले मिक्स कर लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब मैंने आपके सामने थोड़ा सा पानी और डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इस बैटर को अच्छी सी कंसिस्टेंसी दे दिया। और लास्ट में मैंने इसमें डाल देना है वनीला एसेंस। आपके पास नहीं है तो आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देना है। और फिर हमने केक, जिस भी मोल्ड में आपने केक बनाना है उसके पास, उस पर आपने बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर नहीं है तो जिस तरह मैंने ऑयल लगा कर मैदा स्प्रिंकल किया है, बिल्कुल ऐसी तरह आपने मैदा स्प्रिंकल करके केक का बैटर मोल्ड में डाल देना है और इसको टैप करना है। 5 से 10 दफ़ा मैंने इसको टैप किया है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखी है, कोई स्टैंड नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ एक प्लेट रखी है। आप लोग बस ये समझ लें कि इसके नीचे कुछ रखना ज़रूरी ज़रूर है। ये नहीं है कि आपके पास स्टैंड नहीं है तो कुछ नहीं रख सकते। आटा जिसे छानते हैं वो छाननी रख सकते हैं, स्टैंड है तो वो रख सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी प्लेट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक बेक होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 35 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया था। ढक्कन पर जो सुराख है उसको आपने अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसकी हीट अंदर रहे। और शीशे वाला ढक्कन लेने का मकसद मेरा यही है कि मैं केक को बार बार देख सकूं कहां तक पहुंचा है, कितना बेक हुआ है। जब किसी दूसरे पतीले में बना रहे होते हैं केक तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हम देख लें कितना बेक हुआ कितना बेक हुआ। बस हम यहाँ पर ही गलती करते हैं। जब हम केक देखने के लिए उसका ढक्कन खोलते हैं और उसकी सारी हीट बाहर निकल जाती है और हमारा केक बैठ जाता है, फिर केक अच्छे से बेक नहीं होता। बस केक यहाँ पे बेक हो गया था। अब मैं आपको बताने लगी हूँ केक के ऊपर कलर देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। एक तवा लेना है आपने, उसको फुल हीट पे आपने उसको गर्म होने देना है। और बाद में इस तरह से आपने पतीले के ऊपर जहाँ जिसमें आप केक बेक कर रहे हैं इसको इसके ऊपर ढाँप देना है। पहले भी आपने कलर देखा है। अब 5 मिनट मैंने इसको रहने दिया था और ये देखे जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। फिर भी आपने इसको टूथपिक से चेक कर लेना है कि कच्चा तो नहीं है। 2 बार मैंने चेक किया और टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है और मैंने केक को निकाल लिया है। और मैंने अब इसकी साइडें छुड़वा देनी है इस तरह से टैप टैप करके। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा केक बेक हुआ है, ना ही नीचे से जला है ना कुछ। देखिए ऊपर नीचे से इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। और आप लोगों ने ये रेसिपी फॉलो करनी है, इसको ज़रूर बनाना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का केक कैसा बना है। तो जी, यही तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।